हमारा टॉपिक चल रहा था हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी में इंट्रोडक्शन। हम लोग हेल्थ एजुकेशन के बारे में स्टडी कर रहे थे, उसके कंटेंट हमने पढ़े थे जो लास्ट हमारा लेक्चर था उसमें। अब हम उसके जो नेक्स्ट आगे कंटेंट रहते हैं वो हम स्टडी करेंगे। पीछे हमने उसके ऑब्जेक्टिव्स, डेफिनेशन और कंटेंट स्टडी किए थे 5। नेक्स्ट हमारा मेंटल हेल्थ। अगर जैसे मेंटली अगर हम स्ट्रॉन्ग होंगे तो हम जो है हर एक काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होते, अनहेल्दी होते हैं, तो जो हमारा काम है वो हम प्रॉपरली कोई काम नहीं कर सकते, उसमें अपना 100% नहीं दे पाते। मेंटल हेल्थ में क्या है, अगर हम लोग जैसे इमोशनली, ठीक है, वेलबींग होना हमारा, जो है हमारा जो है स्ट्रेस है उसको कम करना, मेंटली प्रिपेयर होना हर एक काम के लिए पहले से, वो हमारा मेंटल हेल्थ है। मेंटल हेल्थ के हेल्थ एजुकेशन का मेन एम क्या है, हमें मेंटली हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना, नॉलेज प्रोवाइड करवाना और हमें आगे मोटिवेट करना, ठीक है। मेंटल हेल्थ में क्या है, हम लोग जैसे एग्जांपल्स है, कोई मदर है आफ्टर चाइल्ड बर्थ, ठीक है, वो अपने आप को कैसे प्रिपेयर करेगी, आगे अपनी न्यू फैमिली के बारे में कैसे वो प्रिपेयर होगी, उसके लिए, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उसमें, अपने कैरियर को लेके, ठीक है, और बच्चे की केयर को लेके जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको वो कैसे सॉल्व करेगी, उसका कैसे सोल्यूशन निकालेगी। इसमें जो मदर होती है उसे वो पहले से ही अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके रखती है कि मैंने जो काम है, जो आगे अपने फर्दर जो आगे अपना फ्यूचर है, लाइफ है, उसे कैसे एडजस्ट करना है, कैसे उस पर काम करना है, वो है मेंटल हेल्थ। अगर हम मेंटली हेल्दी हैं तो हम क्या हर एक काम को ईजिली करेंगे, हमें कोई भी प्रॉब्लम है हम उसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। ऐसे ये जो मेंटल हेल्थ है वो हर एक पर्सन के हर एक जगह पर है, ठीक है। उसमें उसका मेन एम क्या है, पीपल्स को मेंटली हेल्दी करना और मेंटल को जो प्रॉब्लम्स है उसको ब्रेक डाउन करके सॉल्यूशंस देना, ठीक है। ये क्रिटिकल पीरियड होता है अपनी लाइफ का जहाँ पर जो मेंटली प्रॉब्लम आती है तो एक्सटर्नल प्रेशर वगैरह बहुत होता है, उसमें जो पीपल्स हैं, जो पेशेंट है, जो ह्यूमन है, वो और ज़्यादा क्या घबरा जाता है, ठीक है, वो बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता, ठीक है, अपने आप को अकेला फील करता है। इसलिए हम उसे मोटिवेट करेंगे कि आपको कैसे काम करना है, उसे एडवाइस देंगे, ठीक है, सोल्यूशन बताएंगे ताकि वो अपना जो सरकमस्टांसिस से बाहर निकल सके। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट। जो मेन एक्सीडेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हमारी केयरलेसनेस से, ठीक है। उसमें क्या है, जो एक्सीडेंट्स है वो मेनली होते हैं जब हमें किसी चीज़ के बारे में नहीं पता होता। अगर हमें जैसे हेल्थ एजुकेशन में हम लोग डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं, अगर हमें डिजीज़ के बारे में पता होगा, ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं, नॉलेज प्रोवाइड होती है, नॉलेज जो ड्रग्स के बारे में पता होगा तो हमें पता होगा कि जो हम ड्रग ले रहे हैं उसका इफेक्ट, जो साइड इफेक्ट है, इफेक्ट है वो कितने टाइम तक रहेगा, ठीक है। जैसे हिप्नोटिक सेडेटिव्स हम ड्रग लेते हैं उसका 24 आवर्स से पहले प्रॉपरली जो है वो इफेक्ट नहीं जाता, इसलिए उस टाइम हमें ड्राइव नहीं करना चाहिए, ठीक है, ना ही कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हम लोग गिर जाए या चोट लग जाए, ठीक है। ड्राइविंग के टाइम हमें पता नहीं चलता कि हमने कैसे नींद आने लग जाती, प्रॉपर कंसंट्रेशन नहीं बन पाता, फोकस नहीं होता, वो भी हमारे प्रिवेंशन एक्सीडेंट का एक रीज़न है। नेक्स्ट है जो हमारे एक्सीडेंट्स हैं वो मेन उन प्रॉब्लम्स को अगर हम हेल्थ के बारे में पता होगा, प्रॉपर एजुकेशन नॉलेज होगी तो हम उस प्रॉब्लम्स को क्या है सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ हेल्थ सर्विसेज। अब जो हमें गवर्नमेंट ने हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवाई है, 8th पॉइंट है हमारा यूज ऑफ हेल्थ सर्विसेज। जो हमें गवर्नमेंट ने हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवाई हैं, ठीक है, कम्युनिटी फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मासिस्ट हो गए, फार्मासिस्ट हो गए, जो हमें नॉलेज प्रोवाइड करवाते हैं ड्रग्स के बारे में, डिजीज़ के बारे में, ठीक है, हमें हर एक जो है चीज़ अवेलेबल करवाते हैं, इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवाते हैं पब्लिक को, हमें उसका प्रॉपर यूज़ करना चाहिए ताकि हमें उससे नॉलेज मिल सके और हम अपनी जो है लाइफ उसे ईजी बना सकें, आगे जब अपनी लाइफ को और ज़्यादा हेल्दी बना सकें। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिटी फार्मेसी।
कम्युनिटी फार्मेसी में कैट जो ये कैट मीन कम्युनिटी फार्मेसी इट मीन्स प्लेस अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ ए फार्मासिस्ट वेयर द प्रैक्टिस ऑफ द फार्मेसी अकर्स एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग. एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर जो सुपरविजन है वो डायरेक्टली हम फार्मासिस्ट के अंडर जो है वो काम करते हैं, काम के अंडर ही हम लोग काम करते हैं, फार्मेसी में प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें हम लोग प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर पढ़ना, उससे मेडिसिन कैसे देनी, कंपाउंडिंग कैसे करनी है, डिस्पेंस कैसे करना है, जो पेशेंट्स हैं उनको कैसे नॉलेज प्रोवाइड करवाएंगे, उस चीज़ के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं जब वो हमें कम्युनिटी फार्मेसी में बताया जाता है. कम्युनिटी फार्मासिस्ट का और एक मेन एम है वो है जैसे पेशेंट्स को नॉलेज प्रोवाइड कराना ड्रग के बारे में, उसके काउंसलिंग करने पेशेंट्स की, पेशेंट को जो वैक्सीन है ठीक है इम्यूनाइजेशन है बच्चे को जो वैक्सीन लगते हैं उनके बारे में डिटेल में बताना, जो इन्फेंट्स हैं और मदर्स हैं उसके केयर के बारे में फार्मासिस्ट बताते हैं पीपल्स को, पब्लिक को. और जो फार्मासिस्ट है उसका मेन और क्या रोल होता है, जैसे वो नॉलेज एपिडेमियोलॉजी के बारे में, अपनी ह्यूमन बायोलॉजी के बारे में, बॉडी के बारे में नॉलेज देते हैं, ड्रग के बारे में नॉलेज देते हैं, डिजीज़ के बारे में नॉलेज देते हैं, ड्रग के बारे में प्रॉपर डिटेल में बताना कि कैसे हमने ड्रग की स्ट्रक्चर क्या होती है, इसके यूज़ साइड इफेक्ट ठीक है एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं, कौन से पार्ट पर जाकर कैसे सेक्टर के साथ बाइंड करती है, ये सारा हम सब कुछ उसमें बताते हैं. उसके बाद है जो है क्लिनिकल फार्मासिस्ट, वो क्या करते हैं पॉइजन्स के बारे में जो है पेशेंट्स को बताते हैं, जैसे स्नेक पॉइजनिंग और जो पॉइजन्स हम लेते हैं उसके हमें कैसे कंट्रोल, कैसे हम उसमें फर्स्ट एड के टाइम में हम लोग कैसे उसका इफेक्ट कम कर सकते हैं. जो इसका और फार्मासिस्ट का क्या मेन एम होता है, हमारे जो हेल्थ है उसे प्रमोट करना, गुड हेल्थ हेल्दी बनाना पर्सन्स को और उनको प्रिवेंशन करना, प्रिवेंट करना उनको डिजीज़ के बारे में. अब उसका आगे स्कोप क्या है फार्मेसी का, इन प्रोसेसिंग प्रिस्क्रिप्शन प्रोसेसिंग करने में क्लिनिकल फार्मेसी में इसका स्कोप है. एज अ फार्मासिस्ट पेशेंट को नॉलेज प्रोवाइड करवाना, पेशेंट्स की केयर करना, ड्रग मॉनिटरिंग रिसर्च वर्क में हेल्प करवाना ठीक है, उसकी जो ड्रग है उसके बारे में बताना. उसके बाद है हेल्थ केयर टीम, काउंसलर ठीक है, हेल्थ केयर टीम में एज अ फार्मासिस्ट वर्किंग करना, जो पीपल है उनको गाइड करना, इंफॉर्मेशन देना कि कैसे अपने हेल्दी रहना है, कैसे अपने अपनी हेल्थ के लिए काम करना है. उसका काउंसलर जो पेशेंट्स हैं उनको काउंसलिंग करना, पेशेंट काउंसलिंग जैसे हम लोग देते हैं पेशेंट को काउंसलिंग करना कि कैसे अपने ड्रग यूज़ करनी है, कैसे हमने रिमूव करनी है ड्रग ठीक है, उसको लेना कैसे, एडमिनिस्टर कैसे करना है, उसकी जो है ड्रग है उसके साइड इफेक्ट क्या है, उसका यूज़ क्या है ठीक है, हमने किस चीज़ के साथ ड्रग को लेना है, इन सब के बारे में जो है फार्मासिस्ट वो पेशेंट पब्लिक को इंफॉर्मेशन देता है. अब जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट है ये भी हमारे जो है फार्मेसी का मेन एम है, मेन पॉइंट है ठीक है, रोल है इनका भी मेन अपनी जो है फार्मेसी में. इसलिए हमें जो हेल्थ एजुकेशन है अगर हम प्रॉपरली इसे स्टडी करेंगे, इंफॉर्मेशन अगर हम प्रॉपरली लेंगे तो इससे जो हमारे आगे है वो लाइफ है जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट होगी, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो कम हो जाएंगी और हमारी लाइफ है वो ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी. इसके लिए हमें हेल्थ एजुकेशन की स्टडी को करना चाहिए ठीक है, उसको इनके बारे में अच्छे से पढ़ना चाहिए ताकि हमें आगे अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो सके. अब जो हेल्थ एजुकेशन में जैसे हमने इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, हमें अपनी हेल्थ को कैसे प्रमोट और मेंटेन करना है ठीक है, उसके लिए पहले बैलेंस्ड डाइट, फ्रेश एयर लेनी चाहिए, फ्रेश सप्लाई ऑफ एयर, लाइट एंड पोटेबल वाटर यूज़ करना चाहिए. सेकंड है बैलेंस्ड डाइट, प्रॉपर जो आपने हेल्थफुल शेल्टर में रहना चाहिए ठीक है, यहाँ पर प्रॉपरली आपकी हेल्थ पर कोई इफेक्ट ना पड़ सके.
जो आपका क्लोथिंग है वो मौसम के अनुसार आपने एडुकेट क्लोथ पहनने चाहिए आपको, ठीक है। अपनी हाइजीन का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, पर्सनल और इन्वायरमेंटल हाइजीन का। उसके बाद है जो कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल के बारे में अगर हमें पता है तो उससे भी हम अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेटर बना सकते हैं। उसके बाद गुड एंड सिंपल हैबिट्स हमें डालने चाहिए, जिससे क्या होता है हमारी लाइफ स्टाइल वो चेंज हो सके, ठीक है। उसके बाद है हमें जो जॉब सेटिस्फेक्शन करना चाहिए, जहाँ पर हम अच्छे से काम कर सकें, यानी कि जहाँ पर हम लोग बेमन से काम करेंगे, ठीक है। कोई हमारा मन नहीं है, मन लगता नहीं है, दिल नहीं लगता, उससे हम सेटिस्फाई नहीं है जॉब से, वो हमें काम नहीं करना चाहिए। उसके बाद हमें फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, रेस्ट, बॉडी को रिलैक्सेशन देना चाहिए। हर एक जो भी हमें नीड है इंडिविजुअल, उसको हमें कंप्लीट करना चाहिए। ये हमारे मेन फैक्टर्स हैं। ये हमारा जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन वाला यहाँ पर फिनिश हो गया। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में, नेक्स्ट चैप्टर। ये टॉपिक यहीं पर भी हमारा फिनिश हो गया। पता नहीं।